हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारी जो वीडियो है वो आज किसके ऊपर बेस्ड है, सो मैं बता भी देती हूँ आपको। हमारी आज की वीडियो बेस्ड है कट ऑफ के बारे में, जो HSSC का अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, जो NTA ने कंडक्ट करवाया था। एग्ज़ाम कब हुआ था? एग्ज़ाम हुआ था हमारा 21 एंड 22 अक्टूबर को। उस पेपर की जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको पता ही है कि जो ग्रुप डी का अभी एग्ज़ाम हुआ था, जो NTA ने कंडक्ट करवाया था 21 22 अक्टूबर को, ये बहुत ही इजी लेवल था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। जिसकी जो साइंस के का जो पोर्शन है, दो शिफ्ट के जो पेपर थे उनका मैंने अपने चैनल पे डिस्कस भी किया है, आप वॉच कर सकते हो वीडियोज़ को जाकर। डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। सो फर्स्टली, जनरल की जो कट ऑफ है वो सबसे हाईएस्ट जाती है, सबसे ज़्यादा जनरल की जाती है। तो जनरल की जो कट ऑफ के चांसेज है वो है 70 to 75 के बीच में। मींस जो पर्सन, जो बच्चे 71 72 के आसपास, जिनके क्वेश्चन ठीक हैं, तो उनका जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग वो क्लियर हो सकता है, वो इस रेंज में आ सकते हैं। बिकॉज अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था तो उसके जो मार्क्स है वो कट हो जाते थे आपके 0.95। तो जो आप जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपने जितने भी किए हैं, देन उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपकी पता लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ आपकी जा रही है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं EWS के बारे में, जिसकी कट ऑफ जाएगी नियरली 68 to 70 के बीच में। BCB और BCA इनके बीच में डिफरेंस रहेगा, बट थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा, देन BCA की इनसे लेस जाएगी। तो BCB की जो कट ऑफ है वो जा सकती है 68 to 69 के बीच में, और BCA की जो कट ऑफ जाएगी वो मोस्टली एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 66 to 68। लास्ट जो हमारे पास है SC एंड PWD। PW कैंडिडेट वो होते हैं जो अपाहिज होते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई अपंगता वगैरह या फिर हम ये बोलें कि डिसेबिलिटीज होती हैं, उनको PWD के अंदर कंसिडर किया जाता है, जिनकी कट ऑफ सबसे लोएस्ट जाने के चांसेस होते हैं, और सबसे लोएस्ट ही रहती है इनकी, नियरली 55 to 60। SC की अगर बात करें तो SC की जो कट ऑफ है वो BCA से कम रहेगी, 64 to 67। सो ये हमारे पास एक डाटा था। सो आई थिंक ये डाटा करेक्ट ही रहेगा, बट 1 2 का मार्जिन हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।